एक बार की बात है, एक हंस और एक हंसिनी भ्रमण करने के लिए निकले। कई सुंदर सुंदर स्थानों को घूमते हुए वे एक सुनसान स्थान पर आ पहुंचे। वहां कोई सरोवर तो था नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना रात इसी वृक्ष पर व्यतीत कर ली जाए। हंसिनी ने उबर खावड़ वीरान स्थान को देखकर हंस से कहा, अजी सुनते हो, हम लोग कहां इस वीरान स्थान पर आ पहुंचे हैं? मुझे तो यहां डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हंस कहने लगा, घबराओ नहीं, बस एक रात की ही तो बात है, सुबह होते ही हम अपने स्थान को चले जाएंगे। हंसिनी कहने लगी, महाराज रात तो मैं जैसे तैसे काट लूंगी, परंतु विद्वानों का ऐसा मत है कि इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। जिस देश में राजा विरुद्ध हो, वेद पाठी धनी हो, वैद्य आचारवान हो, जिस देश में नपुंसक हो स्त्री, बाल अत्यंत क्रोधी हो, जहां मूर्ख साहसी अधिकारी हो, जहां का राजा अभिविवेकी हो, सभासद पक्षपात करने वाले हो, पंडित जन सत्मार्गी न हो, गवाह झूठ बोलने वाले हो, जिस जगह दुष्ट स्त्रियां और नीच बुद्धि वाले पुरुषों की अधिकता हो, ऐसी जगह ना तो धन की, मान की, जीवन की इच्छा ना करें। इन सात स्थानों पर दिन में भी बसेरा नहीं करना चाहिए। नंबर एक, सुनसान जगह पर बना हुआ चबूतरा। नंबर दो, सुनसान स्थान पर किसी चौराहे पर। नंबर तीन, सुनसान स्थान पर बना हुआ कोई पुराना देव मंदिर हो, जहां पूजा पाठ ना की जाती हो, जहां कोई आता जाता ना हो, देव प्रतिमाएं खंडित हो चुकी हो। नंबर चार, शून्य वन में। नंबर पांच, बरसों से बंद पड़े घर में। और नंबर सात, श्मशान। हंसिनी कहने लगी, महाराज ऐसे स्थानों पर बसने वाला व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। हंस बोला, कोई बात नहीं, मुश्किल परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, क्योंकि बीमारी, विपत्ति और मौत कभी भी आ सकती है। इस तरह से आपस में बातचीत करते हुए हंस और हंसिनी रात व्यतीत करने के लिए उसी वृक्ष पर बैठ गए। अब संयोग की बात है, जिस वृक्ष पर हंस और हंसिनी रुके थे, उसी वृक्ष पर पहले से एक उल्लू बैठा था। वह उल्लू रात में जोर जोर से हू भू करने लगा। उल्लू की आवाज सुनकर हंसिनी बोली, महाराज इस पेड़ पर तो उल्लू बैठा हुआ है, ये इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है, मुझे लगता है कि हम रात में सो भी नहीं पाएंगे। हंस कहने लगा, भगवान रात भर की तो बात है, जैसे भी काट लो, माता सीता ने तो एक बरस रावण के यहाँ बिना सोए बिना खाए व्यतीत की थी। हर रोज वह रावण आकर उन्हें धमकाता था, फिर भी उससे भयभीत नहीं हुई। तुम्हें तो सिर्फ इस उल्लू की आवाज एक ही रात तो सुननी है, सुन लो जैसे भी हो। हंस बोला, प्रिय इसलिए ये इलाका वीरान सा हो गया है, क्योंकि यहाँ ऐसे उल्लू रहते हैं। प्रिय बंधुओं, वह उल्लू उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने मन मना लिया कि इस हंस को कल मैं अपनी औकात बता दूंगा कि एक उल्लू का अपमान करने का फल क्या होता है। अब जब सवेरा हुआ तो उल्लू ने हंस से कहा, अरे हंस भाई, मेरे कारण आपकी रात ठीक से नहीं कट पाई, तो जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। हंस बोला, कोई बात नहीं भैया, हमारी रात कट गई यही बहुत है, छोटी मोटी तकलीफें तो सबके जीवन में आती ही रहती हैं, उन्हें उन कष्टों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सहन करने की आदत भी रखनी चाहिए। इतना कहकर हंस अपनी पत्नी को लेकर जब जाने लगा तो उल्लू ने हंस का रास्ता रोक लिया और कहा, अरे हंस भाई, आप तो चोर निकले, आपको रात क्या व्यतीत करने दी, आप तो मेरी पत्नी को ही चुरा कर ले जाने लगे। उल्लू की बात सुनकर हंस के होश हवा हो गए, कहने लगा, आपकी पत्नी पर, ये तो मेरी पत्नी है, यह उल्लू नहीं है, यह हंसिनी है। उल्लू ने कहा, वाह जी वाह, रात क्या बिताई, मेरी जाति पर भी अपना अधिकार जमाने लगे, अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा। बात बहुत आगे बढ़ गई, उल्लू ने पंचायत बिठा दिया, पंच लोग भी आ गए। पंचों में सारे लोग उल्लू ही थे, कोई अन्य पक्षी नहीं था। पंचों ने कहा, अरे भाई आप लोग किस बात पर झगड़ रहे हो। हंस बोला, महाजनों, यह उल्लू मेरी हंसिनी पर जबरदस्ती अपना अधिकार दिखा रहा है, जबकि ये हंसिनी मेरी पत्नी है।
उल्लू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देखो ये हंस मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को ही बहला फुसलाकर अपने साथ लिए जा रहा है, जबकि ये मेरी पत्नी है। प्रिय बंधुओं, अब तो उन लोगों के सभा में हंस को न्याय मिलना असंभव था। उल्लू के पंचायत ने सोच विचार कर उल्लू के पक्ष में फैसला इन्होंने सुना दिया। पंचों ने सोचा कि हंस तो यहाँ से चला जाएगा, हमारे बीच में ये बेचारा उल्लू ही रहेगा, इसलिए हंसिनी उल्लू की ही पत्नी बताकर उसे दे दी गई। बेचारा हंस कुछ भी नहीं कर सका, वह अपनी पत्नी को जाता देख रोने चिल्लाने लगा। हंस को दुखी देखकर उल्लू ने कहा, भैया चिंता मत करो, यह हंसिनी आपकी ही पत्नी है, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि किसी विपरीत परिस्थिति में फंस भी जाओ तो उसे बिना किसी भय के निकाल देना चाहिए, उस समय मान अपमान की सोच कर दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी अपने धैर्य को संभाल कर रखते हैं। उल्लू कहने लगा, है मित्र, आपने रात में कहा था कि ये इलाका उल्लू के कारण वीरान है, ये इलाका बिहार इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहते हैं, ये जगह सुनसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में ही फैसला सुनाते हैं। प्रिय बंधुओं, कहानी का तात्पर्य ये है कि नीच व्यक्ति की थोड़ी देर का संग भी आपको हानि पहुंचा सकता है। बुद्धिमान वाले पुरुष को दुष्ट बुद्धि वाले एवं विचार शक्ति से रहित पुरुष का तिनके से ढके कूप की तरह त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ की गई मित्रता नष्ट हो जाती है। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।